वेलकम टू हाइफिडन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। मैं हूं सुहेब और आप मुझे देख रहे हैं फिक्स बाय टेक के चैनल पर। सो लेट्स गो। हाइफिडन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में बेसिकली मेजर तीन प्रोग्राम है जो हाइफिडन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन देते हैं आपको हाइफिडन वाले। पहला है इसका HCSA, हाइफिडन सर्टिफाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एसोसिएट। ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जिसमें आपको बेसिक बताई जाती है। उसके बाद आती है HCSP, हाइफिडन सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स के लिए। और लास्ट में आती है HCSE, हाइफिडन सर्टिफाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट। इसमें आपको सबसे पहले जो है HCSA का एग्जाम पास करना पड़ता है। ये ऑनलाइन होता है, आपको HCSA की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, ये 2 साल तक वैलिड होती है। उसके बाद इसी तरीके से HCSP का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये भी 2 साल तक वैलिड होता है। और इसी तरह HCSE का एग्ज़ाम देना पड़ता है और ये भी 2 ही साल तक वैलिड होता है। ठीक है जी, आज इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो होगा HCSA, एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। और इसमें हम जानेंगे कि हम इसकी तैयारी करेंगे बाकायदा, इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप लोग आराम से इसका एग्ज़ाम भी पास कर सकें। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी पास करना चाहते तो कम से कम आपको एक अच्छी हेल्दी नॉलेज हो जाए CCTV के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस कोर्स के कुछ कंटेंट्स हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होंगे, हम इस पर क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ होगी, जो इसका चैप्टर है, वो होगा फंडामेंटल ऑफ द वीडियो सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे इसका बेसिक सेटअप ऑफ हाइक्विजन रिकॉर्डर, हाइक्विजन कैमरा इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन। ये थर्ड मॉड्यूल होगा इसका और ये बड़ा ज़रूरी है। हाइक्विजन IVMS 4200 एंड 4500 ऑपरेशंस, ये भी हम पढ़ेंगे। एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस टू द हाइक्विजन सर्विलेंस डिवाइसेस, कि नेटवर्क के थ्रू हम इसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे और क्या इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, इसको भी हम जानेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द HD एनालॉग सर्विलेंस, HD के जो एनालॉग कैमरे हैं वो हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं और किस तरह काम करते हैं। इसी तरह सॉल्यूशंस फॉर द नेटवर्क वीडियो सर्विलेंस। ये हमारे बेसिक चीज़ें थी जो कि हम कवर करेंगे इंशाल्लाह HCSA के पूरे प्रोग्राम। फंडामेंटल ऑफ द वीडियो सर्विलेंस में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे और क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका, इंट्रोडक्शन जिसको आप कह सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे समझने की कि वीडियो सर्विलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि है क्या चीज़, कैमरा है क्या, है किस तरीके से काम करती है। सेकेंड, फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी कैमराज का फंक्शन क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे कैसे फंक्शन करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्डर का इंट्रोडक्शन भी हम यहाँ पे देखेंगे कि रिकॉर्डिंग की जरूरत क्यों पेश आई और रिकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है। सेकंड, इसका जो चैप्टर होगा वो होगा बेसिक सेटअप ऑफ द हाइक्विजन रिकॉर्डर। उसके बेसिक सेटअप के ऊपर जाएंगे जिसमें कि आप IPC कनेक्शंस देखेंगे कि IPC कनेक्शंस कैसे होते हैं, रिकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है, PTZ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती हैं, प्लेबैक एंड एक्सपोर्ट कैसे होता है, एक्सप्रेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये एक अलार्म सिस्टम भी समझ लें वो है कि हम इसको देखेंगे कि ये अलार्म सिस्टम भी कैसे काम है। हाइफिडन कैमरा इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या जानेंगे, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन टिप्स, कनेक्शन एंड इंटरफेस ऑफ IP कैमराज, बेसिक नेटवर्क ऑपरेशन ऑफ IP कैमराज, बेसिक इमेज ऑपरेशन ऑफ द IP कैमराज, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने नए मॉड्यूल पे, वो होगा हमारा हाइफिडन IVMS के बारे में। रिमोटली हम अपने जो है IVMS को कैसे, अपने कैमरों को हम कैसे रिमोटली कहीं से देख सकते हैं या उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले IVMS 4200 उसका ओवरव्यू लेंगे हम, ठीक है, फंक्शंस, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और किस तरह काम करते हैं।
ऑपरेशंस उसके, और लास्ट में हम IVMS 4500 को भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा हिस्सा शुरू होगा नेटवर्क एक्सेस टू द हाइकविजन सर्विसेज डिवाइसेस। हाइकविजन सिर्फ कैमरे ही नहीं बनाता बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि एक्सेस कंट्रोल है, टाइम अटेंडेंस मशीन है, वीडियो इंटरकॉम सिस्टम है। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके एक ही सॉफ्टवेयर में सब ऐड हो जाती हैं, यानी आपको मुख्तलिफ चीज़ों में जाना नहीं पड़ता। तो हम इसको जानेंगे कि नेटवर्क के साथ हम अपनी जो चीज़ें हैं वो कैसे एक्सेस करेंगे। इसमें सबसे पहले PC नेटवर्क एक्सेस आएगा, NTDNS। DDNS एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप रिमोटली कहीं पर भी बैठ के अपनी किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कन्फिग्रेशंस हम देखेंगे कि इसकी कन्फिग्रेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से कॉन्फिग किया जाता है। एक्सेस मेथड्स, एक्सेस के FAQs, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, आप उनको भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। और HIK कनेक्ट एक्सेसिंग। HIK कनेक्ट ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि P2P इस्तेमाल होता है, आप अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक्सेसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द HD एनालॉग सर्वेलेंस में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एनालॉग वीडियो सर्वेलेंस का ओवरव्यू, एनालॉग वीडियो किस तरह काम करती है, हाइकविजन टर्बो HD सर्वेलेंस प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं और उनमें क्या उनकी खसूसियात हैं, सिस्टम एडवांटेजेस, इस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे, हमारा आखिरी वीडियो होगा सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क वीडियो सर्वेलेंस, जिसमें कि नेटवर्क वीडियो सर्वेलेंस का ओवरव्यू हम लेंगे, बैंडविड्थ कैलकुलेशन लेंगे, नेटवर्क सर्वेलेंस की डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं और सिस्टम के एडवांटेजेस जानेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे फंडामेंटल ऑफ वीडियो सर्वेलेंस, तब तक के लिए।